कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक हम सबको प्रेरणा देने वाले भारतीय बौद्ध संघ के कई कार्यक्रमों में अपनी आशीर्वाद वचन देने वाले और 500 वर्षों से जो देश में राम लला जी का मामला चल रहा था, 500 वर्षों बाद अयोध्या में भगवान राम को विराजमान करवाने वाले विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट माननीय लोक कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्याम जादू जी, मंच पर उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मैं बहुत भिक्षुगण जिनको 3 बार वंदन करता हूं, आए हुए सभी भारतीय बौद्ध संघ के पदाधिकारी, क्योंकि कार्यक्रम सुबह से चल रहा है और कार्यक्रम को हम लोग कार्यक्रम को बहुत ढंग से सुबह से हमारे पदाधिकारी चला रहे हैं, खासकर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप सोनकर जी, उनके टीम के लोग, महिला अध्यक्ष पूनम प्रधान जी, युवा अध्यक्ष हमारे जो हैं, और तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष कुकरेजा जी, दीपक कुकरेजा जो युवा अध्यक्ष हैं, कई पदाधिकारी जो सुबह से लगे हैं, रात से लगे हैं, मैं नाम लेता लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, कार्यक्रम वैसे ही लेट चल रहा है, कार्यक्रम को माननीय लोक कुमार जी के हाथ समापन करना था, इसलिए मैंने आग्रह किया हुआ है। साथियों, बहुत कुछ कहने का है लेकिन भारतीय बौद्ध संघ हर वर्ष आप लोगों को संत रविदास जी, संत कबीर जी, महर्षि वाल्मीकि जी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारधाराओं को आगे बढ़ा रहा है। आज हमारे इस कार्यक्रम का खास मकसद है कि हम लोगों ने मीरा चली सतगुरु के धाम, आज हम लोगों ने, आज हमारी जो टीम है आज यहां से शुरुआत कर रही है कि मीरा चली सतगुरु के धाम, इस कार्यक्रम को आज हम लोग ले रहे हैं और ये कार्यक्रम जा करके 22 मई को दिल्ली में विज्ञान भवन में इसका समापन किया जाएगा, भगवान बुद्ध के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम का समापन होगा। कार्यक्रम हमारा लगातार चलता रहता है, हमारा जो मकसद है कि पिछड़े पंथ में बैठे व्यक्ति को आगे कैसे लाया जाए, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से काम करें। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारी कार्यकर्ता है बहुत सुबह से लगे हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, धन्यवाद देता हूं।